सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैंने अपने मेन्यू में कुछ नई चीज़ें ऐड करने का सोचा है, यानी कि मैंने पिज़्ज़ा को ही ऐड करने का सोचा है, बट वो मिनी पिज़्ज़ा होंगे। तो मैं आज दो जगह जाऊंगा, एक पहले पिज़्ज़ा बेस का पता करूंगा कि वो जो मिनी वाला है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर मुझे मंगाना पड़ेगा, एंड सेकेंड कि मुझे उसके लिए बॉक्सेस वगैरह भी चाहिए होगा। तो मैं बताऊंगा आपको, दिखा दूंगा कि मैं कहां से बॉक्सेस वगैरह लेता हूं। तो बट वो सप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको लेना है कहीं मेरे आसपास में, अगर आप रहते हो तो आप ले सकते हो, बट वो सप्लाई नहीं करते हैं। आई थिंक मैंने मतलब पूछा तो है नहीं, पूछ लूँगा मैं कि करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर बाहर सप्लाई करते हो, अगर किसी को चाहिए हो तो, क्योंकि रेट वगैरह उनके अच्छे हैं। बट कोई भी अगर कहीं से भी आप लोगे ना, अगर कहीं से ऑर्डर प्लेस करवाओगे तो वो आपको बल्क में ही बोलेंगे कि मतलब 2000 पीस या 3000 पीस, तो वो बोलेंगे मिनिमम इतना लेने के लिए। फिर भी मैं एक बार पूछ लूँगा कि क्या पता अगर वो देते होंगे कम, तो मैं उनसे मतलब पूछ के बता दूंगा आपको। बाकी मैं अभी मैंने हाथ धो के रेडी होके आया हूँ, तो मुझे अब ब्रेकफास्ट करना है। पूजा मैंने कर लिया है, तो ब्रेकफास्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद निकलता हूँ, फिर आपको मैं आराम से बताता हूँ फिर। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब, तो चलो फिर निकलते हैं, शॉप पर चलता हूँ एंड देन देखता हूँ कि मिलता है कि नहीं मिलता वो बेस वगैरह जो मुझे चाहिए। चलो फिर निकलते हैं। सो गाइस, मैं आ गया और यार मतलब मिला नहीं जो मैं लेने गया था। तो भैया कह रहे हैं कि वो छोटा वाला बेस तो अभी है नहीं, मिनी वाला होता है वो है नहीं। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं एटीएम गया था, एटीएम से पैसे निकाले और फिर मैं आ गया घर पे। तो चलो देखता हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं ट्राई करता हूँ, अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। और दो मतलब बॉक्स तो मैंने फिर लिया नहीं, क्योंकि फिर बेस ही जब मिला नहीं तो फिर मैं बॉक्स क्या करूँगा अभी क्या। तो पहले मैं बेस एक बार देख लेता हूँ अगर मिलता है तो, नहीं तो फिर मुझे खुद से ही बनाना पड़ेगा घर में। तो देखते हैं क्या होता है, बताता हूँ फिर मैं आपको। सो गाइस, अभी मैंने एक ऑर्डर दिया और आज तो बढ़िया बढ़िया रेटिंग मिल रही है और बर्गर के खूब ऑर्डर आ रहे हैं और पिज़्ज़ा भी आए हैं। बट क्या बोलते हैं यार, मैं थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहा हूँ, बट वह ना मुझे वो मिल नहीं रहा है। मैं वो 6 inches वाला एक बार देखना चाह रहा हूँ कुछ उसमें, मतलब मैंने चेंज करने का सोचा, एक कैटेगरी बनाने का सोचा है नया, तो वो देखता हूँ मैं भी। बाकी मुझे ऑनलाइन तो यार मिल नहीं रहा है, एक बार आसपास में और भी जो सुपर स्टोर्स वगैरह हैं उसमें पता करूँगा। और अभी मेरा आ रहा है फ्रेंड, वो भी फर्स्ट टाइम आ रहा है मेरे घर पे, क्योंकि क्या बोलते हैं तो मैं वहाँ से शिफ्ट होके आया था अपने आरकीपुरम में, पहले जब रहता था मैं, तो वहाँ से शिफ्ट होके जब से आया हूँ तो ये फर्स्ट टाइम अभी मेरे यहाँ पे घर पे आ रहा है। अरे आ गए हीरो, आ गए हमारे, क्यों तो डालो देखो कहाँ है लेंस, लेंस तो लगाए नहीं है, कौन से लेंस लगाए हैं देखा, अब दिख तो रही है ब्लू, कौन से लाए थे ऊपर करियो, अरे ऊपर देखना मैं कहीं से ब्लू, कैसे ब्लू लगाया तो पता नहीं चले, तो काले लग रहे हैं बिल्कुल, ब्लैक कलर के लेंस लग रहे हैं पूरे, ये ब्लू तो लग ही नहीं रहे। तो गाइस यही है मेरा फ्रेंड, देखो भाई पार्टी, क्या कर रहे हैं तो आप, ये बॉडी वॉडी लेके आएगा नहीं, भाई की बॉडी देखो क्या जबरदस्त भाई ने बॉडी बनाई है, पर इस पर भी थोड़ा काम कर लेता ना, ये बाहर का खा खा के देखो क्या हालत बना दी है ऊपर सर की, ये देखो इनकी कटिंग देख रहे हो आप लोग, भाई कटिंग देख के डर जाए भाई, ये देखो जब जब करता था तो भाई ऐसी इसकी नस आती थी ना, ये नस देखो कैसे बाहर आती थी, दिखा बॉडी दिखा दे ऐसे करके एक बार सबको, अबे ऐसे नहीं दोनों हाथ से दिखाना, अबे ऐसे नहीं करता यार, ऐसे नॉर्मल करते हैं, अरे पोजिंग करना भी सिखाऊंगा तेरे को, चल कोई नहीं बढ़िया लग रहा है ऐसे। तो गाइस बताना कमेंट करके कि इसकी बॉडी कैसी है, तो बता फिर क्या खाएगा, अच्छा तो आज मैं इसको खिलाता हूँ कुछ अपने किचन से, तो मैंने बोला कि आओ तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ क्योंकि बर्गर नहीं खाया इसने, तो मैं बर्गर खिलाता हूँ इसे, ज़रा देखता हूँ टेस्ट वगैरह इसे बताया ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, अच्छा हुआ हैं, अच्छा तो इसकी तो शक्ल ऐसी लगती है कि कटिंग करके बनाई है, इसकी नाच मांगना ऐसे एकदम ऐसा मॉडल लगता है, बस ये थोड़े से बालों में इसे दिक्कत कर दी, बाहर पे खा खा के इसने सारे बाल उड़ा दिए अपने, बस वही दिक्कत लगी, नहीं तो भाई स्मार्ट लॉन्ड है एकदम ये। चलो फिर बनाता हूँ इसके लिए बर्गर ज़रा थोड़े से, फिर बात करता हूँ आपसे, बता फिर क्या खाएगा। मेरे पास ये चीज़ी बर्गर है, मिंट बर्गर है, ये तंदूरी बर्गर है, डबल क्या बोलते हैं टिक्की बर्गर है और सिंगल टिक्की बर्गर है, तो कौन सा खाना चाहोगे? जो मेरा भारी है। क्या है भारी वाला? भारी भारी नहीं, मैं भारी का लोहा डाल दूंगा क्या उसके अंदर, हैवी चाहिए मुझे, तुझे जैसे तेरा पेट भर जाए, ये कह रहा है
अच्छा तो इसको हम खिलाते हैं, वैसे पल्लू बर्गर इसको खिलाते हैं और पहले इसका रिव्यू लेते हैं कि कैसा लग रहा है। तो आओ फिर बनाते हैं मिस्टर पतलू बर्गर। शिमला है ना मेरा घर, तो मैं इसके लिए बना रहा हूँ ये पतलू बर्गर। इसे शर्म आ रही है कैमरे में आने के लिए, पता नहीं क्यों शर्माता है इतना। चलो इसके लिए बनाते हैं जरा पतलू बर्गर और देखते हैं कि इसे कैसा लग रहा है। चलो अच्छा ही बनाता हूँ मैं, थोड़ा हैवी कर दिया। सब हैवी है, समझिए आसान की नहीं बातें करना। ये देख रहा रामपुरी भारी है, सही है। अरे क्या बोल रहा है भैया, देख रहा रामपुरी है। अरे इधर आ जाना, कहाँ जा रहा है उधर, इधर आ जा आराम से, खड़े होकर बात कर ले थोड़ी, देख ले कैसे बनाते हैं, सीख ले, थोड़ा सीखेगा तो सही रहेगा ना तुझे भी। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए अपना क्लाउड किचन ऑफ कर दिया है क्योंकि अभी आया था तो सोचा कि इसको बना के मैं देता हूँ कुछ, खिलाता हूँ इसे। तो अभी मैंने 1 आवर के लिए अपना क्लाउड किचन थोड़ा ऑफ किया है ताकि इसके लिए बना लूँगा, नहीं तो पता चला बीच में फिर ऑर्डर्स आ जाएंगे तो फिर मैं बना नहीं पाऊँगा। कह रहा है कि मुझे पिज़्ज़ा भी खाना है तो अब इसके लिए पिज़्ज़ा ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो चलो खिलाते हैं इसे पिज़्ज़ा बर्गर दोनों। फिर मैंने कर दिया इसका बर्गर रेडी, तो आओ इसे देते हैं। तो ये रेडी है इसका चीज़ी बर्गर, अब भाई खा के बताएंगे। आ जाओ यही पे बाइट ले ले भाई, कैमरा सेट करना पड़ता है यार बार बार, इधर ही आ रहे, इधर ही आ रहे, आ जा भाई जी। ये शर्माता यार, एक तो कैमरे पे आ रखे ना, अरे आ जा रहा, कुछ नहीं होता। हाँ ऐसे पकड़ ले, पूरा पकड़ना पड़ेगा, पकड़ लेगा मेरे भाई, ढंग से पकड़ ले, गिर जाएगा फिर। ग्रिप कर दे थे आपको, कैसे होता है ऐसे ऐसे करके खाते हैं ना, ऐसे पकड़ के। हाँ ग्रिप कर दे ऐसे ही ना, तो पागल है क्या, गर्मी तो आई है, टिश्यू पेपर में खा लियो, अब ढंग से खा लेना भाई, खाई क्रीम व्रीम तो सब बाहर निकाल रहा है तू, टिक्की तो अंदर डाल, तो खाना नहीं आता क्या, देखना कैसे खा रहा है। मैंने तो टिक्की खाई नहीं तूने, तो बताओ उनको, बताओ ना भाई ऑडियंस को, बताओ मेरी कैसा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया लग रहा है एकदम, कैसा बढ़िया, कैसा मतलब कैसा लग रहा है, टेस्टी है। चलो फिर से तो टेस्टी लगा है, अब मैं बनाता हूँ पिज़्ज़ा इसके लिए, देन फिर आपको दिखाता हूँ। मैं इसके लिए बना रहा हूँ तंदूरी पिज़्ज़ा, क्योंकि इसने बोला कि इसको तंदूरी पिज़्ज़ा चाहिए तो मैं वो इसके लिए बना रहा हूँ। तो तंदूरी पिज़्ज़ा खाएगा या मिंट वाला कर दूँ, तंदूरी कर दूँ। इसमें मिंट सॉस भी डाल दिया था और तंदूरी और मिंट वाला दोनों मैंने मिक्स करके इसे मतलब बनाया है, अब देखते हैं इसे कैसा लगता है। ये मैंने बना दिया इसके लिए पिज़्ज़ा और भाई इसको साथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी फ्री दे दिया मैंने, अब ये खा के बताया कैसा लग रहा है। चलो खा एक पीस तो खा, नीचे मत गिरा दे, बता रहा हूँ तुझसे साफ कराऊंगा नहीं तो। कैसा लगा, बढ़िया। आप लोग बताना कि ये देख के कैसा लग रहा है आपको, चीज़ी लग रहा कि नहीं लग रहा, मुझे तो भाई देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। जो मैंने दो सॉस डाली है, एक ग्रीन वाली और एक ये वाली क्या बोलते हैं तंदूरी वाली, तो इनमें से कौन सा बढ़िया है? ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाला बढ़िया है। बढ़िया, चलो ठीक है। कह रहा है कि मुझसे बात नहीं करता, ऐसे वीडियो बनाता रहता है। तो भाई मैंने बोला भाई वीडियो बनानी पड़ती है क्या, और क्या ब्लॉगर हूँ भाई मैं। तो देखो भाई इसका बिल हो गया है, मैंने इसको एक पतलू बर्गर दिया 79, इसको मैंने कोल्ड ड्रिंक फ्री दी है, तो भाई आपका बिल हो गया है 269 का, बट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक आपको फ्री दे दी मैंने उसके साथ, अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं ले रहा मैं इससे पैसे, तो ये आप लोग सोचो फिर मैं पैसे ले रहा हूँ, नहीं ले रहा इससे, ठीक है। ठीक है भाई खा ले आराम से बैठ के खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ले रहा तो उससे मैं पैसे। तो गाइस मेरा फ्रेंड चला गया एंड उसे काफ़ी अच्छा लगा पिज़्ज़ा और बर्गर, तो बहुत अच्छा लगा उसे, और पिज़्ज़ा बोल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ी था, तो चलो अच्छा लगा उसे। और वैसे भी यार मैं मतलब अच्छा ही बनाता हूँ, तो कह रहा था कि अब तो तू बड़ा अच्छा बना रहा है, और मतलब उसे काफ़ी अच्छा लगा। तो बाकी मैंने अपना आउटलेट भी ओपन कर ही दिया था, अब तो रात हो गई है और के आसपास टाइम हो गया अभी, तो अभी तो मेरा आउटलेट ओपन ही रहेगा वैसे। और अभी बीच में ना ऑर्डर्स भी आ गए थे तो मैं करने लगा, तो उसने बोला कि यार मतलब कि तू कभी टाइम देता नहीं है, बात करता नहीं है, आता हूँ फिर बोल देगा थोड़ी देर बाद कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, कि तू बात ही नहीं करता, हमेशा बिजी ही रहता है। तो मैंने बोला यार टाइम नहीं मिलता भाई बात करने का, तो क्या करें अब। तो फिर
चलो फिर मैं थोड़ी सफाई वफाई करता हूँ, क्योंकि गंदा हो गया था किचन भी, क्योंकि ऑर्डर वगैरह रखा था तो फिर गंदा हो गया था, मैं साफ़ नहीं कर पाया, पूरा किचन गंदा है, तो मैं फिर साफ़ सफाई करता हूँ, फिर आपसे आराम से बात करता हूँ। अब रात में करूँगा आराम से बात आपसे, क्योंकि उसके बाद भी बीच में अगर ऑर्डर आ जाएगा तो फिर वो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस, मैंने अभी एक लास्ट ऑर्डर दिया था, ये मेरे घर के पास कहीं था, मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा ये। सो अब हो गया, बाकी अब आउटलेट मेरा क्लोज होने वाला है, और पिज़्ज़ा बेस भी आज ख़त्म हो गया भाई, तो एक ही बेस बचा है अभी, तो बाकी मैंने पिज़्ज़ा को तो बाकी एक ही बेस बचा है, और वैसे भी क्लोजिंग टाइम मेरा हो ही चुका है तो मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी बर्गर के तो हैं अभी यार, आज गया था मार्केट में ना तो सोच रहा था कि ले लेता हूँ, बट एकदम से दिमाग से स्किप हो गया। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप गाइस कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाकी और कोई भी इशू अगर आपको आता है क्लाउड किचन को लेकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी ये रही, यहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेट रिप्लाई आएगा लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। बस काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा है ना, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है मुझे भी रिप्लाई करना, क्योंकि टाइम नहीं होता है, बीच में जब भी 5-10 मिनट होते हैं तो मैं फटाफट से रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा मतलब रिप्लाई नहीं करूंगा तो भाई मेरा पूरा का पूरा ना जो इनबॉक्स है वो पूरा भर जाएगा। और साथ ही साथ में टेलीग्राम के ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पे जितने भी क्लाउड किचन वाले हम लोग हैं, तो हम लोग है ना एक ग्रुप कॉल्स करते हैं, मतलब मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं, हम देखते हैं समझते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ चैलेंज क्या क्या हो रहा है, तो जो चीज़ हम मतलब बाकी लोग फेस करते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि इस चीज़ पर क्या हो सकता है, तो एक दूसरे की हेल्पिंग होती है इसमें। तो आप भी अगर ज्वाइन करके रखोगे तो आपको भी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। तो चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाकी अपना ध्यान रखो, ओके बाय।